हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम लोग सोशल साइंस क्लास 10 का इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके टर्म वन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए गाइज, हम लोग पूरा कंप्लीट इसको हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपका इंस्ट्रक्शन वन है, द क्वेश्चन पेपर कंटेंस फोर सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका चार सेक्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। ए बी सी डी, चार पार्ट में आपका सेक्शन बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन, ठीक है। यानी सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सेक्शन थ्री में पॉइंट नंबर थ्री, नेक्स्ट आपका है पॉइंट नंबर थ्री, सेक्शन बी हैज़ 22 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 18 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन बी में आपको 22 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 18 क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसी प्रकार से पॉइंट फोर आपका है, सेक्शन सी हैज़ 12 क्वेश्चन, ठीक है। केस बेस्ड रहेगा, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। और नंबर फाइव है, सेक्शन डी कंटेंस टू मैप बेस्ड क्वेश्चन, सेक्शन डी में दो मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आपको दोनों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नंबर सिक्स है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन का मार्क्स क्या है, इक्वल है। और पॉइंट सेवन है, देर इज़ नो नेगेटिव मार्क, ठीक है। इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा, इसलिए आपको पूरा फुल क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए, सेक्शन ए का हम लोग क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप, ठीक है। यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड, ठीक है। बहुत ही हमें इस क्वेश्चन कराया भी है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप, ठीक है। यंग यूरोप का फाउंडर कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो गाइज, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। पहला आपका है गुसेफ गैरिबाल्डी, बी है गुसेफ मैजनी, सी है काउंट केवर और डी है ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुसेफ मैजनी, ठीक है। गुसेफ मैजनी आपका सही आंसर होगा, जो कि यंग यूरोप का फाउंडर है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ठीक है। ये जो यूनियन 1707 जो हुआ था, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या था वो आपको बताना, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया गया है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और ऑप्शन डी है यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम। तो गाइज, हम लोग का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ था, ठीक है। इसका यूनिफिकेशन हो गया था किसका, ग्रेट ब्रिटेन का। तो गाइज, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द जोलवेरिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। चार ऑप्शन दिया गया है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इट वॉज अ कॉलिशन ऑफ प्रूशियन स्टेट फॉर्म्ड टू मैनेज पॉलिटिकल अलायंस। ऑप्शन बी आपका है, इट्स एम वॉज टू बाइंड द प्रूशिया पॉलिटिकली इन टू एन एसोसिएशन। ऑप्शन सी है, इट वॉज अ कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। और ऑप्शन डी है, इट हेल्प्ड टू अवेकन एंड रेज नेशनल सेंटिमेंट इन यूरोप। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग का जो जोलवेरिन था, उसका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज अ कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, ठीक है। प्रूशिया द्वारा स्टार्ट किया गया कस्टम यूनियन था जोलवेरिन, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो गाइज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर इन्वॉल्व इन द थ्री वॉर्स विथ प्रूशिया एंड इंडेड विथ विक्ट्री ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेर इन्वॉल्व इन थ्री वॉर्स, ठीक है। इसमें से आप कंट्री दिया गया है जिसमें तीन वॉर्स में इन्वॉल्व था, ठीक है, विथ प्रूशिया एंड इंडेड विथ विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। और वे जीते और उसका यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी में, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो गाइज, हम लोग ऑप्शन दिया गया है, ऑस्ट्रिया पोलैंड फ्रांस, ठीक है। ऑप्शन बी है, ऑस्ट्रिया डेनमार्क फ्रांस। ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रिया टर्की फ्रांस। ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रिया इंग्लैंड फ्रांस। तो गाइज, हम लोग का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस, ठीक है। ये जो तीनों कंट्री थे, ये तीन वॉर में इन्वॉल्व थे, ठीक है, प्रूसिया के साथ में, और ये जीते और यहाँ पर से क्या हुआ,
जर्मनी का यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, रोमांटिसिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, रैशनलिज्म। ठीक है, तो गाइज हम लोग को यहाँ पर सही आंसर होगा जो कि यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, पीपल डिमांड किया था फ्रीडम ऑफ मार्केट। ठीक है, मार्केट में फ्रीडम चाहता था। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में, तो जहाँ पर भी फ्रीडम होता है मार्केट में वो क्या होता है, लिबरलिज्म का काम होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लिबरलिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग का है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड एरियाज दे आर ग्रोन इन। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, ग्राउंड नट असम में होता है, टी गुजरात में होता है, कॉफ़ी कर्नाटका में होता है, शुगर केन छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, तो गाइज हम लोग सही आंसर चूज करना है। ठीक है, आपको सही आंसर मैच करना है। तो फ्रेंड यहाँ देखो, 6 का जो हम लोग आंसर होगा कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है। ठीक है, ये हम लोग का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही है, कॉफ़ी कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड। ठीक है, आपका खाली स्पेस में से भरना है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया है, बैरन लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ग्रेजिंग लैंड, फैलो लैंड। गाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। ठीक है, यानी कि कुछ लैंड ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, 1 से 5 साल तक उसमें खेती बाड़ी नहीं करते। ठीक है, छोड़ दिया जाता है, खाली खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज हम लोग सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, फैलो लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फैलो लैंड, ऑप्शन नंबर डी हम क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस वॉज कन्वीन्ड टू डिस्कस इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल इन 1992। चार ऑप्शन दिया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो डी जेनेरियो और समिट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो गाइज यहाँ पर हमें सही आंसर होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट से है, तो गाइज यहाँ सही आंसर होगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो गाइज इंडिया के है बहुत सारे वैरायटी ऑफ फीचर्स पाया जाता है, हम जानते हैं। ठीक है, और उसमें सालों भर बहने वाली नदियाँ भी है। ठीक है, जो काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है टूरिज्म को और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट की दृष्टि से। ठीक है, तो गाइज आपका चार ऑप्शन दिया गया है, प्लेन्स, प्लेच्यू, आइलैंड्स, माउंटेन। फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, ये हम लोग आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंटेन। ठीक है, क्योंकि माउंटेन से क्या होता है, बहुत सारे रिवर्स बाहर निकल के आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, अभी हम लगातार देख रहे हैं कि भूमि क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। ठीक है, इसमें से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं उससे जो लैंड कटाव होता है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, क्रॉप रोटेशन, शेल्टर बेल्ट प्लोइंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो गाइस यहाँ पर हम लोग सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा भी क्या कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, जंगल को काट रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, भूमि ज़्यादा कटाव हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडॉप्टेड मेजोरिटेरियंस इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सीबीएस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो फ्रेंड यहाँ पर सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने क्या किया है, मेजोरिटेरियंस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, आपको ऑप्शन ए दिया गया है, रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट,
ऑप्शन बी है प्रोवाइड्स एथनिक कल्चरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है अलाउज पीपल टू एंजॉय स्पेसिफिक राइट्स, और ऑप्शन डी है रेस्ट्रिक्ट सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी। तो गाइस यहाँ पर को आइडेंटिफाई करना है सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। सिग्निफिकेंट रीजन क्या है पावर शेयरिंग का, तो फ्रेंड हम लोग को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट को दूर करना होता है पावर शेयरिंग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम हैज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, आइडेंटिफाई दिस थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपका ऑप्शन ए है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है सोशलिस्ट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है लिबरल गवर्नमेंट। तो गाइस यहाँ पर हम लोग सही आंसर ढूंढना है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम हैज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें तो सेंट्रल जो कि गवर्नमेंट का तीन पार्ट होता है, सेंट्रल होता है, स्टेट होता है, इसके अलावा एक और पार्ट है बेल्जियम में, ठीक है, वो आपको ढूंढना है। आपका सही आंसर क्या होगा, तो गाइज हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। एक और गवर्नमेंट पाया जाता है बेल्जियम में, उसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर फेडरेशन, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि इन जो कंट्री दिया गया है उसमें से कौन सा एग्जाम्पल है कमिंग टूगेदर फेडरेशन का, ठीक है। ऑप्शन ए है इंडिया, श्रीलंका, यूएसए, बेल्जियम। तो गाइज हम लोग सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ठीक है। यूएसए क्या है पार्ट है कमिंग टूगेदर फेडरेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन, ठीक है। जो पावर शेयरिंग होता है डिफरेंट ऑर्गन्स जो होता है गवर्नमेंट के बीच में वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ऐसा क्या वजह है ये आपको बताना है, ठीक है। रीज़न यहाँ आपको चार रीज़न दिया गया है। आपका ऑप्शन ए है इट गिव्स जुडिशरी मोर पावर देन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन बी है इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल, इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज एट पॉलिटिकल लेवल, इट इन्फ्लुएंसेस एंड कोऑर्डिनेट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो गाइज हम लोग यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग का सही करेक्ट आंसर होगा, इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल, ठीक है। चूँकि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल पे रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन इंडियाज फेडरल सिस्टम यानी द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दो सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द, ऑप्शन चार दिया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट। तो गाइज हम लोग का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट गाइज ऑप्शन नंबर सी हम लोग क्या होगा कंकरेंट लिस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दो सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन, ऑप्शन है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेस्टोरी सब्जेक्ट। तो गाइज हम लोग को यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट आपका सही आंसर होगा, उसमें रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 371 क्लोज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चार ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो गाइज हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नागालैंड को स्पेशल पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 371 क्लोज ए में, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़, इसमें से चार ऑप्शन दिया गया आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बैंकिंग, आउटसोर्सिंग, फार्मिंग, बैंकिंग। गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा बताओ। तो गाइज हम लोग सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फार्मिंग, ठीक है। सही आंसर क्या होगा हम लोग का, फार्मिंग। फार्मिंग क्या हम लोग का है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑन लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शंस टू लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। ऑप्शन ए है नेट अटेंडेंस रेशियो, इनरोलमेंट रेशियो, लिटरेसी रेट, ड्रॉप आउट रेशियो। ये बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में चल रहा है गाइस, ठीक है, इसलिए करंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग सही आंसर होगा लिटरेसी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का सही मतलब क्या है, ठीक है। ऑप्शन है द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग पॉपुलेशन, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, द टोटल इनकम ऑफ द ऑल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, द टोटल इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज। तो गाइज हम लोग का सही आंसर क्या होगा, यहाँ सही आंसर होगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें क्या होगा, टोटल इनकम को, ठीक है, टोटल इनकम को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हम लोग निकल जाता है एवरेज इनकम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अगर देखा जाए तो इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें सबसे बेहतर पॉइंट क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। पहला आपको दिया गया है इम्प्रूवमेंट इन साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम, ऑप्शन सी है इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी है इम्प्रूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो गाइज यहाँ पर हम लोग जो है HDI का मुख्य उद्देश्य ही है, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन और इनकम को इन्हेंस करना, ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोग क्या होगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है, इस स्टेटमेंट का एसेंस क्या है, ठीक है। तो गाइज हम लोग का चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसका एसेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है ऐसा विकास जिसमें क्या होता है हम वर्तमान में कर तो रहे हैं, ठीक है, भविष्य के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फॉल अंडर अ ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, अ डेली वेज लेबर वर्किंग फॉर कॉन्ट्रैक्टर, एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अ क्लीनिंग स्टाफ इन द प्राइवेट स्कूल, और टेलर स्टिचिंग क्लोथ एट हिज होम। तो गाइज हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा, एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, ये हम लोग का ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, ठीक है। चलिए सेक्शन ए का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, मनरेगा एक्ट 2005 स्टेट एज अ गारंटी ऑफ मिनिमम 10 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर, इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल दिस 100 days ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट वुड हैव टू, आपको खाली स्थान भरना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, पे द कॉम्पनसेशन इन लीव ऑफ दिस डे, ऑप्शन बी है प्रोवाइड अनदर स्कीम फॉर द सेम, पे एटलीस्ट 1/3% अलाउंस, प्रोवाइड हेल्थ केयर एज कंपनसेशन। तो गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 24 का हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पे द कंपनसेशन इन लीव ऑफ दिस डे, ठीक है। अगर चलिए अब हम लोग सेक्शन बी में चलते हैं, इसे क्वेश्चन में 25, फॉलोइंग इमेज इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कॉमनली एसोसिएटेड विद द रोमांटिक एरा एंड द रिवोल्यूशन ऑफ 1848, आइडेंटिफाई इट्स नेम फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, ऑप्शन दिया गया है मेरियाना,
फ्लिफ विट जर्मेनिया ला इटालिया। तो गाइज हम लोग का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मेनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट अबाउट बाल्कन नेशनलिज्म। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आपको कि बाल्कन नेशनलिज्म के बारे में कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है द बाल्कन रीजन्स बिकम पार्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ऑप्शन बी है, यानी सेकेंड है द रीजन कॉम्प्राइज्ड ऑफ एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडेड ग्रीक्स सर्ब्स मॉन्टेग्रो। और ऑप्शन थर्ड है ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी। चलिए हम लोग चेक करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है। ठीक है, तो गाइज हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड दिया गया है ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि ऑप्शन थर्ड के हम लोग का है गलत हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। ऑप्शन जो ए हम लोग का है द बाल्कन रीजन्स बिकेम पार्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी ऑप्शन ए के हम लोग सही है, तो ये भी हो सकता है हम लोग का और ये भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं बी और सी नहीं होगा। ठीक है, ये कट हो गया। चलिए चेक करते हैं हम लोग आंसर ए होगा या डी होगा। स्टेटमेंट सेकेंड पढ़ते हैं द रीजन कॉम्प्राइज्ड ऑफ एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडेड ग्रीक्स सर्ब्स एंड मॉन्टेग्रो, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो दो है हम लोग का वो भी सही जा रहा है। यानी यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा गलत होगा। ठीक है, तो गाइस इस प्रकार से आप क्वेश्चन को छांटना है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द वीवर्स इन सिलेशिया रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1845 आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पर करेक्ट रीजन बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट पे देयर ड्यूज, कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंटेड फ्यू ऑन हाई पोस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स यूज्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्टर्स गिव देम लोन्स नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो गाइज हम लोग का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर जो सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉन्ट्रैक्टर जो थे डिड नॉट पे दियर ड्यूज। किसको, यहाँ जो वीवर्स लोग थे जो बुनने वाला काम करता है, ठीक है, सिलसिले में, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो उन्होंने उन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया था, आंदोलन किया था कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ में। ठीक है, 1845 में, तो उसका मेन रीज़न क्या था, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग थे उनको पे नहीं करते थे ड्यूज। ठीक है, जो ड्यूज था उसको पे नहीं करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Identify the major aspect that helped in the formation of a nation state in Britain. यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पर मेजर एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर क्या था कि ब्रिटेन में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, ऑप्शन ए है 1688 द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन फॉट वॉर विथ इंग्लिश पार्लियामेंट। ऑप्शन बी है द पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रिवोल्यूशन से सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्ची, यानी मोनार्की। द ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ वॉर विथ आयरलैंड एंड वेल्स। ऑप्शन डी है द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन वॉज द रिजल्ट ऑफ मैनी रिवोल्ट। तो गाइज हम लोग का यहाँ पर सही आंसर होगा 28 का, ठीक है, बी। ठीक है, 28 का क्वेश्चन का बी आंसर होगा गाइज द पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रिवोल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। ठीक है, जो कि पार्लियामेंट का मेन वजह, पार्लियामेंट का मेन मकसद क्या था, जो मोनार्की सिस्टम था, ठीक है, जो राजा रजवाड़ों का जो पावर था उसको सीज्ड करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द सोइल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। आपको सोइल को पहचान करना, ठीक है, कौन सा प्रकार का सोइल है, आपको यहाँ क्लू दे दिया गया है। पहला आपका है डेवलप इन एरियाज विद द हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, और सेकेंड है इज लो इन ह्यूमस कॉन्टेंट, और थर्ड है फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु। तो गाइज आपको पहचानना है कौन सा सही सोइल होगा। तो गाइज ये हम लोग का है लेटराइट सोइल, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हम लोग का सही आंसर होगा। लेटराइट सोइल का ये प्रॉपर्टीज़ है कि ये हाई टेम्परेचर में क्या करता है,
और रेनफॉल में क्या करता है, डेवलप करता है, और इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है। और ये खास कर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेस कैन बी पुट टाइडल एनर्जी इन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेस कैन बी पुट टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी के लिए कौन से कैटेगरीज के रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो गाइज इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, रिन्यूएबल रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड, चलिए नेक्स्ट हम लोग का है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपका पहला स्टेटमेंट है इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी है इट क्रिएट्स हारमोनी इन डिफरेंट ग्रुप्स, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, इट ब्रिंग्स सोशियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज। तो गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज़ अ गुड फॉर डेमोक्रेसी, बिल्कुल जो पावर शेयरिंग होता है गुड होता है डेमोक्रेसी के लिए, तो वन तो बिल्कुल सही जा रहा है हम लोग का। सेकेंड देखते हैं, इट क्रिएट्स हारमोनी इन डिफरेंट ग्रुप, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, ये भी बिल्कुल सही दिख रहा है हमको, यानी 1, 2, 3 सही जा रहा है। फोर्थ चेक करते हैं, इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज, नो गाइस कोई कंपटीशन नहीं होता है पावर शेयरिंग में, ठीक है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हाउ डज जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इन अ फेडरल नेशंस, ऑप्शन आपका है जुडिशरी रूल्स ओवर सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड जुडिशरी वर्क कलेक्टिवली, कोर्ट्स कैन चेंज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी है कोर्ट्स यूज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज हम लोग का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोर्ट्स यूज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोला गया है उसके खिलाफ अगर गलत कर रहा है सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट, तो क्या करेगा जो जुडिशरी होता है, ठीक है, उसके खिलाफ में क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू स्टेटमेंट आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज assertion एंड रीजन, ठीक है, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द appropriate ऑप्शन। आपको assertion दिया गया है गाइस, श्रीलंका adopted सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, रीजन क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वॉन्टेड टू फॉस्टर देयर कल्चर लैंग्वेज एंड रीजन। तो गाइज यहाँ पर जो assertion दिया गया है क्या बिल्कुल सही है यह गलत है, आपको पहचानना है, और उसका रीज़न सही है या गलत है ये आपको ध्यान से देख के आंसर देना है, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, श्रीलंका एडॉप्टेड सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बिल्कुल सही है, एजर्सन क्या है यानी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसका रीज़न क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वॉन्टेड टू फॉस्टर देयर कल्चर लैंग्वेज एंड रीजन, इसीलिए क्या किया है, एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दोस इन कॉलम बी, ठीक है। कॉलम ए में रखा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुलिस, एजुकेशन, डिफेंस, और कॉलम बी में रखा गया है कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट। तो गाइज यहाँ देखते हैं हम लोग, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, वो होता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट, ठीक है, तो 1 का 4 हो जाएगा। और सेकंड चेक करते हैं, पुलिस जो होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग का स्टेट लिस्ट, ठीक है,
तो ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड, ठीक है। और एजुकेशन जो होता है गाइस, ठीक है, एजुकेशन जो है हम लोग का है, एजुकेशन आता है हम लोग का कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो 4-3-1 आप यहाँ चेक कर सकते हो, 4-3-1 कहाँ पर है, 4-3-1 ये हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता इज अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस एज मैंशनड इन 8th शेड्यूल कैन सी स्पॉट कैन सी ऑप्ट टू टेक द एग्जाम सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो गाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 35 का हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को लिस्ट किया गया है, ठीक है, 8th शेड्यूल में, ठीक है, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपका वन है पावर शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड अ थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद देम। चलिए आपको यहाँ पर आंसर देना है, यहाँ पर गाइस आपको ऑप्शन दिया गया है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी फेडरल सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम। तो गाइस आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को आंसर होगा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हम लोग का, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये चीज़ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट किसके बारे में, थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म के बारे में, ठीक है। ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन स्टेट, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग मैनेजमेंट, द पार्लियामेंट कैन ऑट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। तो गाइज आपका ऑप्शन दिया गया, बताना इसमें सही कौन होगा। देखो गाइज यहाँ पर हम देखते हैं, स्टेटमेंट वन पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है, यूनियन ऑफ स्टेट में रखा गया है किसको, इंडिया को, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग को ऑप्शन जो बी है और हम लोग का जो डी हट गया, ठीक है, चूँकि स्टेटमेंट वन सही है। सेकंड है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी सही हो जा रहा है हम लोग का, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हम लोग का आंसर क्या निकल के आ रहा है, वन, यानी ए हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट आर गिवन इन द क्वेश्चंस बिलो एज एजर्सन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन आपका एजर्सन दिया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशन हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन अ कंट्री, रीजन है कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ टू कंट्रीज एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना इसका सही आंसर क्या होगा। देखो गाइस यहाँ पर हम लोग को एजर्सन दिया गया है, ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशन करता है हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ हैपेंड इन अ कंट्री, लेकिन यहाँ पर रीजन जो दिया गया है गलत है, ठीक है। रीजन क्या है, कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम, नो, ऑफ टू कंट्रीज नहीं करते हम लोग, एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ये काम नहीं है गाइस, ठीक है।
तो ये गलत हो जाएगा हम लोग का, यानी कि वो यहाँ पर हम लोग आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का गाइस आंसर होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, लिस्ट ए और लिस्ट टू दिया गया, ठीक है, कुरियर, फिशरमैन, कारपेंटर, ट्रांसपोर्टर, लिस्ट टू दिया गया, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, ये हम लोग का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर क्या होगा, 40 का गैस, यहाँ पर जो कुरियर है, ठीक है, कुरियर ये हम लोग का आता है टर्शरी सेक्टर में, यानी कि ये हम लोग हो गया सर्विस सेक्टर में, ठीक है, और यहाँ पर गए जो फिशरमैन है ये हम लोग का आता है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, यहाँ सेकेंडरी दिया है गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो कारपेंटर है, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर में नहीं आएगा, ये भी हम लोग का सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया हम लोग का, ट्रांसपोर्टर जो होता है हम लोग का टर्शरी में आता है, ठीक है, यहाँ सेकेंडरी दिया है, ये गलत हो जाएगा, तो सही हम लोग का जो मैच दिख रहा है कुरियर इज अ टर्शरी सेक्टर, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा हम लोग का सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का डेटाबेस, ठीक है, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यहाँ पर आपको दिया गया है कंट्रीज, ठीक है, और कंट्री ए का इनकम दिया गया है, मंथली इनकम दिया गया है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है डेटाबेस, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यहाँ पर टेबल का फॉर्म दिया गया है, तीन कंट्रीज है ए बी और सी, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है मंथली इनकम सिटीजन का, ठीक है, रुपीज़ में, तो आपको बताना क्या है, देखो आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर विच रीता हैज चोजन कंट्री ए, आपको रीज़न देना है कि रीता ने कंट्री ए को चूज़ क्यों किया, ठीक है, देखो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहला जो आंसर दिख रहा है गाइस, ऑप्शन दिख रहा है ए सही होगा, क्यों, यहाँ पर मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजन आर रिच एंड स्टेबल, आप देख सकते हो कंट्री ए के बारे में, देखो सबका जो इनकम दिख रहा है लगभग हम लोग को लगभग इक्वल दिख रहा है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, रिच है और स्टेबल लोग हैं, इसलिए सिलेक्ट करेगी रीता कंट्री ए को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है न्यूमेरिकल, ठीक है, विजय इज अंडर न्यूट्रिशन एज हिज वेट इज 45 केजी एंड इट्स हाइट इज 1.28 मीटर्स, फाइंड आउट हिज बॉडी मास इंडेक्स BMI फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो गाइज मैं इसको निकाल के बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुमेन वर्क्स एट अ स्वीट शॉप इन हर विलेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड गेट्स मैग्री सैलरी आफ्टर वर्किंग द एंटायर डे, सी डजंट गेट एनी हॉलीडेज और पेड टू लीव, रादर हर एम्प्लॉयर्स डिडक्ट हर सैलरी व्हेनेवर सी इज एबसेंट फ्रॉम वर्क, फाइंड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर सी इज वर्किंग, ठीक है, तो गाइस एक वुमेन है जो कि स्वीट शॉप दुकान में काम करती है अपने गाँव में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है, और उसको बहुत कम सैलरी मिलता है जबकि वो दिन भर काम करती है, ठीक है, और उसको हॉलीडेज वगैरह भी नहीं मिलता है, ठीक है, और अगर काम छोड़ती है तो उसको सैलरी में भी कम दिया जाता है, ठीक है, तो बताना है आपको कौन से सेक्टर में वो काम करती है, ठीक है लेडीज़, तो गाइज हम लोग यहाँ पर सही आंसर होगा 43 का सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2017-18 डेटा द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वॉज गिवेन, प्राइमरी सेक्टर 44%, सेकेंडरी सेक्टर 25%, टर्शरी सेक्टर 31%, आउट ऑफ थ्री सेक्टर्स व्हाई डिड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर हाई, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो गाइज हम लोग ऑप्शन दिया गया है वर्कर्स इन द प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, पहले ही ऑप्शन तो सही आ रहा है, ठीक है, पहले ही ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का सही हो रहा है, परसेंटेज क्यों ज़्यादा है इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा हम लोग सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट आर गिवन इन द
क्वेश्चन बिलो एजर्सन और रीजन टाइप. क्वेश्चन देखो क्या है. एजर्सन दिया गया है क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन एंटायर वर्ल्ड आर डिप्लेटिंग, वी नीड टू फाइंड अ सुटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर इट. रीजन है ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो गाइज यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, स्टेटमेंट जो हम लोग का है, एजर्सन जो दिया गया, ठीक है, क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन एंटायर वर्ल्ड आर डिप्लेटिंग, बिल्कुल सही है, डिप्लेट हो रहा है. वी नीड टू फाइंड अ सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट फॉर इट, बिल्कुल सही है. चूँकि क्रूड ऑयल क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, तो हम लोग के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा. ये बिल्कुल सही है. रीज़न हमको दिया गया है ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, इसका ये वजह नहीं है, ठीक है, जिसे हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है. चूँकि ये सब क्या है, हम लोग का ये जो रिसोर्स है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, ठीक है, ये ख़त्म होने वाला रिसोर्स है, जो कि भविष्य में ख़त्म हो जाएगा. इसलिए हम लोग को और क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है. तो ये हम लोग का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, रीज़न जो दिया गया है, वो गलत है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं दिया गया है. तो हम लोग सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अ मैन इज एम्प्लॉयड ऑन अ फूड प्रोसेसिंग फार्म वेयर ही हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क, हिज वाइफ एंड डॉटर ऑल्सो हेल्प हिम इन हिज वर्क ऑन द फार्म एवरी डे, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हिज एग्जाम्पल. तो गाइज यहाँ पर एक मैन है जो कि फूड प्रोसेसिंग फार्म में एम्प्लॉयड है, ठीक है, काम करता है, बहुत से उसका मैनुअल वर्क है, उसकी वाइफ और उसका डॉक्टर भी उसको हेल्प करता है इस काम में एवरी डे, ठीक है. तो ये किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल है. तो गाइज हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ये हम लोग का अंडर एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है. चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, ठीक है. यहाँ पर गाइज आपको केस स्टडी दिया गया है, उसको रीड करना है, ठीक है, उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए. चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है. व्हाई डिड द ग्रिम ब्रदर्स गिव द टेल्स एंड अ रीडेबल फॉर्म विदाउट चेंजिंग दियर फोल्कोरिक कैरेक्टर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. अगर आपने केस स्टडी पढ़ लिया है तो इसका बहुत ही आसानी से आप जवाब दे सकते हो, ठीक है. चार ऑप्शन दिया गया है, द कलेक्शन इन्जॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी, इट बिकेम्स अ मॉडल फॉर द कलेक्टिंग ऑफ फैंटेसी टेल्स, इट फॉर्म्ड द बेसिस फॉर द साइंस ऑफ लैंग्वेज, पीपल इजिली एक्सेप्टेड दियर रिटन एडवेंचरस टेल्स. तो गाइज आप स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो आपको आंसर देने में बहुत ईजी हो जाएगा, आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, द कलेक्शन इन्जॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी. यहाँ पर आप उसको आंसर देख सकते हो, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48. द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी. चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 48. द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेरी contribution of Grimm brothers was widespread, identity the best suitable option depicting the same from the following. यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दिया गया है, development of cities and towns, setting up of new political parties, promotion of ethnic belonging, emergence of socialist ideology. तो गाइज आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, promotion of ethnic belonging, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. द वर्क ऑफ द ग्रिम ब्रदर्स इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड पीपल टू कलेक्ट टेल्स दे बिलीव्ड इन स्पिरिट ऑफ. यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है, भरना है वहाँ पर, एंड कंसिडर इट एसेंशियल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है. तो गाइज हम लोग का चार ऑप्शन दिया गया है, तो गाइज आपको चार ऑप्शन दिया गया है,
इसमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कल्चुरलिज्म, ठीक है, कल्चुरलिज्म आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिलीव्ड इन स्पिरिट ऑफ कल्चुरलिज्म एंड कंसिडर्ड इट एसेंशियल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई द फॉरेन डोमिनेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाई द फॉरेन डोमिनेशन वॉज कंसिडर्ड अ थ्रेट टू नेशन बिल्डिंग। सेलेक्ट द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड यहाँ पर हमको चार ऑप्शन दिया गया है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज एंड इथोस, वायलेंस एंड मास किलिंग ऑफ पीपल, स्प्रेड ऑफ न्यू आइडिया डिजीजेस इन द कंट्री। तो गाइज यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हम लोग का, यहाँ सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, इरोजन ऑफ नेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाई द फॉरेन डोमिनेशन वॉज कंसिडर्ड अ थ्रेट टू नेशन बिल्डिंग। सेलेक्ट द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो गाइज यहाँ पर हम लोग को चार ऑप्शन दिया गया है, एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज एंड इथोस, वायलेंस एंड मास किलिंग ऑफ पीपल, स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीज इन द कंट्री। तो गाइज हम लोग का यहाँ पर सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, इरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज एंड इथोस। अगला क्वेश्चन, हाउ वेयर द जर्मन ऑल्सो, अगला क्वेश्चन, हाउ वेयर द जर्मन एबल टू कनेक्ट विद देयर कल्चर विथ रेफरेंस टू द अबव कॉन्टेक्स्ट, इनफर द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक है, थ्रू द फीलिंग ऑफ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, थ्रू द फीलिंग ऑफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हाउ वेयर द जर्मन एबल टू कनेक्ट विद देयर कल्चर विथ रेफरेंस टू द अबव कॉन्टेक्स्ट, इनफर द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपका ऑप्शन ए दिया गया है, थ्रू द फीलिंग ऑफ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, थ्रू द फीलिंग ऑफ वननेस ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी, थ्रू द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग नेशनल, थ्रू द फीलिंग ऑफ कोहेरेंस इन रेफरेंस टू मैनरिज्म। यहाँ पर गाइस हम लोग का सही आंसर दिख रहा है, बहुत ही सीधा आंसर है, थ्रू द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग नेशनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका एजर्सन और रीजनिंग, ठीक है, एजर्सन है, रिजिम्स ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, ठीक है, और रीजन दिया गया है, कंजर्वेटिव रिजिम्स वेयर ऑटोक्रेटिक, ठीक है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, देखो पहले पढ़ते हैं हम लोग एजर्सन, रिजिम्स ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, बिल्कुल सही है। रीजन है, कंजर्वेटिव रिजिम्स वेयर ऑटोक्रेटिक, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि जो रिजिम था 1815 का वो टॉलरेट नहीं करता था क्रिटिसिज्म और डिसेंट को, क्योंकि वे लोग क्या थे, कंजर्वेटिव रिजिम्स थे और ऑटोक्रेटिक थे, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लोग को देखेंगे तो रीजन भी सही है और एजर्सन भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो गाइज हम लोग यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला हम लोग को है, फिर से एक केस स्टडी दिया गया है, इसको आपको रीड करना है और आपको आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैन इन्फर फ्रॉम द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन दैट मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ कल्टिवेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट कॉज, ठीक है। ऑप्शन दिया है, फूड एंड फ्रूट क्रॉप्स आर एक्सपेंसिव इन मार्केट, शिफ्ट टू मल्टीफेरियस क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू डिमांड, पीरियोडिक स्कर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स, सोइल डिग्रेडेशन एंड एक्सटेंसिव ग्रीन रिवोल्यूशन। ऑप्शन डी है, सोइल डिग्रेडेशन एंड एक्सटेंसिव ग्रीन रिवोल्यूशन। तो गाइज हम लोग का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोइल डिग्रेडेशन एंड एक्सटेंसिव ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. स्टेटमेंट दिया गया है, इंडियन फार्मर्स आर डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न, दे आर शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम सीरियल टू फ्रूट वेजिटेबल एक्सेट्रा, जूट इज द हाई डिमांड इन द इंडियन मार्केट. आपका ऑप्शन दिया गया है गाइस ए बी सी डी, आपको सही आपको ढूंढना है. ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा. पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट वन, इंडियन फार्मर्स आर डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न. बिल्कुल सही है, वन सही है. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी नहीं है वन, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है. ठीक है, तो गाइस आप तुरंत मार सकते हो आंसर. ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही होने वाला है. दे आर शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम सीरियल टू फ्रूट वेजिटेबल, बिल्कुल शिफ्ट करते हैं. तो गाइस आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव देयर हैज बीन रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया अंडर सीरियल एंड पल्सेस, आइडेंटिफाई द रीजन. लैक ऑफ मार्केट टू सेल सीरियल्स एंड पल्सेस, दूसरा है अर्न मोर इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ऑप्शन सी है नीड ऑफ यूज लेबर इन कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड पल्सेस, और ऑप्शन डी है अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम कमर्शियल क्रॉप. तो गाइस आपका सीधा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट फॉर कमर्शियल क्रॉप. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड विच वंस शोड ड्रामेटिक रिजल्ट आर शो नाउ बींग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग द सॉइल. ठीक है, इन्फर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस इनपुट्स नोटिस अर्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गाइस आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, दिस इनपुट्स हैव शोन इंक्रीज्ड आउटपुट्स एंड प्रोडक्टिविटी, इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट हुआ. ठीक है, हालांकि इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है क्योंकि ये ज़्यादा क्या किया है, डिग्रेड किया है सॉइल को, लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इस इनपुट से इंक्रीज हुआ है आउटपुट. ठीक है, प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देयर आर स्टेट इन इंडिया विच आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड एट एक्सेसिव लेवल टू इंक्रीज देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, आइडेंटिफाई द स्टेट्स विच आर द प्रोमिनेंट लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा एंड पंजाब. ठीक है, हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा क्या होता है, राइस और व्हीट का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड. ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड्स द बेस फॉर फूड स्कार्सिटी एंड इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, व्हाई इज द ट्रेंड शिफ्टिंग टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. फूड प्रोडक्शन जो हो रहा है, ठीक है, एक बेस है हम लोग का फूड स्कार्सिटी का, और ये की डिटर्मिनेंट फूड है अवेलेबिलिटी का. ठीक है, तो गाइस व्हाई इज द ट्रेंड शिफ्टिंग टूवर्ड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. तो गाइस हम लोग को यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, टू इम्प्रूव, ऑप्शन ए है आपका है टू इम्प्रूव द लैंड यूज पैटर्न, ऑप्शन बी है आपका टू यूज इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक्स, ऑप्शन सी है टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और ऑप्शन डी है टू फेच मोर इनकम एंड हाई अर्निंग. तो गाइज हम लोग का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गाइज. ठीक है, टू फेच मोर इनकम एंड हाई अर्निंग. ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेक्शन डी, जो कि आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है. ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द लोकेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देगा उसके अनुसार आपको जो लोकेशन दिया गया है ए बी उसको बताना है. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या चीज़ दिया गया है. चलिए क्वेश्चन दिया गया है, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क्ड एज डैम, यहाँ पर जो ए जो मार्क किया गया वो डैम है. ठीक है, आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा डैम है, सलाल,
भाखड़ा नागल, टेहरी, राणा प्रताप, सागर। तो गाइज यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, जो ए है यहाँ पर गाइज, ये हम लोग का भाखड़ा नागल डैम है, ठीक है। कौन है? भाखड़ा नागल डैम, ठीक है, पंजाब में गाइज, ठीक है। कहाँ पर है ये? पंजाब में, ठीक है। तो ए हम लोग हो गया भाखड़ा नागल डैम, ठीक है। तो गाइज हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ऑन द सेम मैप बी इज ऑल्सो मार्क्ड एज अ मेजर टी कल्टिवेटिंग स्टेट, आइडेंटिफाइड इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पर जो बी मार्क किया गया है आपके डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर ये चाय का उत्पादन करने वाला कोई स्टेट है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्टेट है। तो गाइस सिंपल सा आपका दिया गया है असम है, ठीक है। क्या है? असम में बहुत ज़्यादा क्या होता है? चाय का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में कुछ आया होगा, ठीक है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर से करके जाओ, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। ओके गाइस, फिर से मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।